नमस्कार सभी को, वेरी वेरी गुड इवनिंग। होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। थोड़ी थोड़ी तैयारी आप लोगों की चल रही होगी, लाइब्रेरी की चलनी भी चाहिए। और जो लोग नहीं तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ी थोड़ी तैयारियों में आप लग जाएं। पहले भी मैंने बोला था और वापस मैं बोल रही हूँ कि अपनी तैयारियों में वापस से लग जाइए आप लोग, ठीक है? और थोड़ा थोड़ा फ्लो पकड़िए पढ़ाई की तरफ, जो है आप वापस से आप अपना ध्यान जो है वो लेकर के आइए। अपने कोर्स की तरफ आप वापस से ध्यान दीजिए और अपने रिवीजन को वापस से स्टार्ट कीजिए। और मैं भी इसी श्रृंखला में जो है फिर से वो टेस्ट वाला अपना जो प्रोग्राम है उसको प्रारंभ करने का जो है वो बिल्कुल विचार बना रही हूँ। मैंने बीच में भी पूछा भी था कि टेस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है वो सभी ने कहा था हाँ, एक दो ने कहा था ना, मुझे नहीं पता क्यों नहीं कहा, क्यों उन्होंने ना कहा। या तो वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे या फिर कोर्स से रिलेटेड नहीं होंगे, इस वजह से हो सकता हो उन्होंने ना कहा हो। तो मैं चाह रही थी कि एक अच्छा सा फुल मॉक जो है वो अरेंज किया जाए, जिससे हमें ये पता चले कि किस तरीके की प्रिपरेशन आपकी है। पूरी प्रिपरेशन आपकी दिसंबर एंड तक बढ़िया से थी, और अब वो दिसंबर एंड के बाद आपकी कितनी तैयारी अभी तक रही हुई है, उस बेसिस पे हम एक फुल मॉक जो है वो कंडक्ट करेंगे। पूरा का पूरा फुल मॉक जो है वो पूरे आपके कोर्स से आएगा। जैसे आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पेपर है, वैसे ही 25-25 क्वेश्चन आपके इतिहास के और 25 भूगोल के, और जिस पैटर्न पे आपका है, आपके चार पांचों यूनिट का मिला करके 100 क्वेश्चन, वो पेपर हम लोग करवाएंगे। अब थोड़ा सा ट्विस्ट है भैया जी। ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट सुन लीजिए। जो पेपर होगा वो पेपर ऑफलाइन होगा, ठीक है? जो पेपर हम कंडक्ट करेंगे वो पेपर जो अभी फुल मॉक होगा वो पूरा का पूरा ऑफलाइन होगा। तो ऑफलाइन अगर आपको ज्वाइन करना है, ऑफलाइन जो टेस्ट हम रखेंगे, मैं डेट आपको बताती हूँ, 15 फरवरी को शनिवार है। शनिवार को टेस्ट हम रखेंगे, 15 फरवरी को 10 से 1 का टाइमिंग है पेपर का, ठीक है? 15 फरवरी दिन शनिवार 10 से 1 का टाइम होगा और आप पेपर देने आएंगे। अब पेपर वो लोग देंगे शनिवार को जिनका रजिस्ट्रेशन शुक्रवार तक हमारे संस्थान में हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन का टाइमिंग 2 बजे तक। शुक्रवार को 2 बजे तक आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करा लेना है संस्थान पर, और रजिस्ट्रेशन के बाद ही जो है आप वो टेस्ट दे पाएंगे। अब आपके मन में बहुत बुरे बुरे विचार चल रहे होंगे, क्योंकि जब भी बात आती है ना कुछ करने की, तो आपके दिमाग में केवल कोचिंग के प्रति नेगेटिविटी और पैसों को लेकर के ही दिमाग घूमता फिरता है। तो दिमाग आप वापस ले आइए, क्योंकि अभी आप डॉक्टर किरण सिंह के साथ बैठे हुए हैं और आपको पता है पैसों की मैंने कभी आपसे बात नहीं कही और आज भी नहीं कहूँगी। ये टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको केवल तैयारी करके आना है, टेस्ट को देना है। आपके लिए ये टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। और इस टेस्ट का रिव्यू देखने के पश्चात मैं आगे की प्लानिंग करूंगी कि आगे भी और टेस्ट होने चाहिए या नहीं, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट आप लोगों का आता है तो हम टेस्ट आगे का प्लान करेंगे, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, फिर मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपको ये टेस्ट देना है, ऑफलाइन टेस्ट देना है, तो आपको शुक्रवार तक 2 बजे तक रजिस्ट्रेशन करा लेना है संस्थान पर आकर के। अब रजिस्ट्रेशन जो कराना है, चूंकि अमाउंट तो है नहीं, पैसे हमें नहीं चाहिए, लेकिन हमारे पास कुछ वैधानिक चीज़ें होनी चाहिए, कुछ हमें दिखना चाहिए जिससे हमें लगे कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आप केवल ऐसे चलते फिरते या मस्ती करने के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं। तो उस चीज़ के लिए आपका आईडी प्रूफ हमारे पास आएगा, आईडी प्रूफ की कॉपी हमें चाहिए और आपकी एक फ़ोटोग्राफ चाहिए, और इंस्टीट्यूट का जो फॉर्म है जो रेगुलर स्टूडेंट्स भरते हैं, आप उस फॉर्म को भरेंगे, फॉर्म को भरेंगे, आपका फोटो आईडी प्रूफ देंगे और आप अपनी एक फ़ोटो देंगे, उसके बाद आप एलिजिबल होंगे इस टेस्ट के लिए। तो आप ये तीनों चीज़ें लेकर के, सॉरी दोनों चीज़ें लेकर के, एक फ़ोटो और एक आपका कोई भी आईडी प्रूफ लेकर के आप संस्थान पे कभी भी विजिट कीजिए। संस्थान पे अब रजिस्ट्रेशन को मैंने अभी से ओपन कर दिया, आप विजिट कीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, और शुक्रवार 2 बजे तक जितने स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड होंगे, हम पेपर की कॉपी केवल और केवल उतनी ही बनाएंगे। तो पहली बात तो ये कि आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन कराइए। अब कई बार ऐसे सिचुएशंस होती हैं, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट हम कराते रहते हैं, जो अपने यहाँ के स्टूडेंट्स होते हैं, जो रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स होते हैं,
वो क्या थोड़ा सा दादा भाई समझते हैं अपने आप को, है ना। उनको लगता है कि हम तो घर के ही हैं, तो हमें रजिस्ट्रेशन कराने की क्या ज़रूरत है, हमें कोचिंग में बताने की क्या ज़रूरत है, हमें मैम से कहने की क्या ज़रूरत है, पूछने की क्या ज़रूरत है। तो भाई ऐसा नहीं है, आप चाहे रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स रहे हुए हैं, चाहे आप हमारे एप्लीकेशन के स्टूडेंट्स हैं, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल के स्टूडेंट हैं, या फिर हमारे ये इन तीनों जगहों के स्टूडेंट्स के आप मित्र हैं या आपके जानकार हैं, कोई भी हैं, केवल और केवल टेस्ट को, इस फुल मॉक टेस्ट को वही देंगे जिनका रजिस्ट्रेशन हमारे संस्थान पे प्रियोर हो चुका होगा, चाहे वो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हो चाहे हमारे न्यू स्टूडेंट्स हो। ठीक है, अब थोड़ा सा जो है वो मुझे लग रहा है कि आप लोगों के अंदर ये बात चल रही होगी कि जयपुर में नहीं है, फिर ऑफलाइन टेस्ट हम कैसे देंगे। तो जो स्टूडेंट्स जयपुर में नहीं हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट का फिर आगे हम लोग कुछ और कोई एक टेस्ट और प्लान कर लेंगे जो पर्टिकुलरली आपको टारगेट करते हुए होगा, एंड उसका क्या प्रारूप होगा वो उसी समय मैं बताऊंगी। बट कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए, मेरा मानना ये है कि शांति से अभी सब लोग इधर उधर बैठे हुए हैं, बिजी हो रहे हैं, अभी सर्दियां थी तो चलो ठीक है, सब चुपचाप से बैठ के मूंगफली फोड़ रहे थे, तोड़ रहे थे, खा रहे थे, खूब मूंगफलियां खा ली आप लोगों ने, और खूब रजाई में भी आप बैठ बैठ के बहुत आलसी हो गए हो, तो अब वो रजाई से निकलने का टाइम आ गया है। मूंगफली के अलावा देखो यार, दुनिया में पराठे शराठे भी हैं, वो भी खाओ थोड़ा सा, है ना, वो खा पी करके तगड़े हो जाओ और वापस से रिविजन में लग जाओ, फुल मॉक खूब आराम से आप दो। ठीक है, तो मेरे को ये बात कहनी थी, ये इम्पॉर्टेंट था, और मुझे अच्छा लगेगा बहुत दिनों के बाद जो है मैं भी थोड़ा सा एक्टिव हुई आप लोगों के लिए, तो आप लोग जो है इस पे ज़रूर गौर फरमाइएगा। एक बात मुझे और कहनी थी, मेरे यहाँ जो रेगुलर बैच अभी लास्ट बैच निकला है, लास्ट बैच और उसके पहले का बैच, यानी कि एक बैच हमने सितंबर में लिया था जिसमें अक्टूबर में कुछ बच्चों ने एडमिशन्स लिए थे, उनके फर्स्ट यूनिट जो है वो रह गई थी, और प्रॉब्लम ये आई थी, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि उन बच्चों को ये चीज़ें पता हैं कि क्या क्या इश्यूज हुए थे, बट एनी सिचुएशंस, मतलब जो भी सिचुएशंस रही हो, उन बच्चों के फर्स्ट यूनिट रह ही गए थे, उनको नहीं कराया गया था। ठीक है, तो उन बच्चों को मैं ओपनली बोलती हूँ, बच्चे आप लोग जो भी उस बैच में थे, आप लोग बिल्कुल 10 तारीख से हमारे यहाँ नया बैच स्टार्ट हो रहा है। मैंने पहले भी वाले बैच में भी बोला था, बट शायद मैंने अलग अलग ग्रुप्स में नहीं डाले, इस वजह से हो सकता है आप लोगों को नहीं पता हो। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोग सितंबर अक्टूबर बैच के हैं, तो फर्स्ट यूनिट 10 तारीख से हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है, शाम को 4 बजे से आप उसमें ज्वाइन कीजिए और उसमें पूरा कीजिए। जो लास्ट बैच हमारा रहा था एग्जाम से जस्ट पहले वाला बैच, उसमें भी जो है सेकेंड यूनिट का मुझे पता है बहुत इशू रहा था, और मैं खुद डिससेटिस्फाई थी, स्टूडेंट्स का डिससेटिस्फैक्शन तो मैं समझ सकती हूँ। तो जो सेकेंड यूनिट जो लास्ट बैच के बच्चे हैं, वो बच्चे प्लीज़, जिनका भी सेकेंड यूनिट में कोई डाउट रहा है, सेकेंड यूनिट में कुछ छूटा हुआ है, तो सेकेंड यूनिट मंडे को सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पहले का जो बैच चला हुआ है हमारे पास, उसमें मंडे सुबह 10 बजे से सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो रहा है। तो जो नवंबर बैच के बच्चे थे, वो बच्चे जो है वो सुबह 10 बजे के बैच में आकर के अपना सेकेंड यूनिट कर सकते हैं। जो बच्चे सितंबर और अक्टूबर बैच के थे, जिनका फर्स्ट यूनिट का इशू था, वो बच्चे शाम को जो नया बैच स्टार्ट होगा 4 से 6, आप उसमें आकर के आराम से कर करके जाइए, और कोई फीस देने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपने पहले पूरी फीस मुझे दे रखी है, तो आप आराम से आइए और अपना जो भी है, जो भी आपका छूटा हुआ है, उसको खूब आराम से करके जाइए। ठीक है, और तैयारी भी कीजिए, और पेपर जो है आपका है 15 तारीख को सुबह, टाइमिंग 10 से 1 का है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर होइए और रजिस्ट्रेशन अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए। कोई कोई हो सकता है कि जयपुर में नहीं हो, वो अपनी फिजिकल प्रेजेंस नहीं दे पाए, आप संस्थान पे विजिट करके अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, तो आप हमें जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मैं आपको जो है बता दूंगी कि किस तरीके से आप अपना रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकते हैं। सो नंबर वही है, आपके पास होगा, सेव होना चाहिए, नहीं है तो आप अभी सेव ही कर लीजिए, 8003-18030। तो इस नंबर को आप सेव कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो आप उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। कॉल कभी कभी थोड़ा रिसीव नहीं हो पाता है, बट आप व्हाट्सएप मैसेज डाल देंगे तो उसको रिप्लाई मैं 100% करूंगी, तो आप उसको ध्यान में रखिए, तैयारी कीजिए। मिलते हैं फिर शनिवार को, मिलते हैं, आइए संस्थान पे आपका स्वागत है, श्री समृद्धि क्लासेस आपको बुला रहा है, और तैयारी करके आइए,
कमर कस के आइए और देखते हैं फिर रैंकिंग कौन ले जाता है, और रैंकिंग जो भी बनती है रैंकिंग को पूरा डिस्प्ले करेंगे हम ऑफलाइन, जो टेस्ट आपका है इसको अच्छी तरीके से हम रैंकिंग को डिस्प्ले करेंगे, और जो भी हमारे टॉपर्स होंगे मैं कोशिश करूंगी कि उन टॉपर्स का अगर इंटरेक्शन हो सका आप लोगों के साथ तो ज़रूर वो इंटरेक्शन भी कराऊंगी। टिल देन अच्छे से तैयारी कीजिए, खूब मस्त रहिए, बाय बाय।